सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब कोई ठीक होंगे। और तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी को मालूम है कि CRPF का एग्ज़ाम जो है फाइनली ख़त्म हो चुका है, तो सब कोई अब रिजल्ट के इंतजार में होंगे और आंसर के इंतजार में होंगे। तो इसी वीडियो में बात करने वाला है कि जो CRPF का आंसर की है वो कब आने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों का अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़े होंगे CRPF वाला, तो उसमें बताया गया था कि जो आपका फाइनल जो आंसर की है वो 4 से 5, मतलब 1 सप्ताह के अंदर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। 4 से 5 दिन लिखा हुआ था, तो मैं मान सकता हूँ 1 ही सप्ताह, मतलब 1 सप्ताह के अंदर आपका जो फाइनल आंसर की है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि एग्जाम जो हम लोग ख़त्म हुआ था CRPF वाला वो हुआ था 11 मार्च को। ठीक है, तो 11 मार्च को ख़त्म हुआ था, उससे अगर 4-5 दिन अगर आगे जोड़े, यानी 1 ही सप्ताह अगर आगे जोड़ते हैं तो 11/7/18, मतलब 18 तारीख तक आपका फाइनली जो है इसका आंसर की देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको, या फिर आपको ईमेल थ्रू भी मैसेज आ जाता है कि आप लोग अपना आंसर की है जो चेक कर सकते हैं। तो ईमेल पे भी आ सकता है, नहीं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना है और अपना जो आंसर की आने वाला है वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जिन भी कैंडिडेट्स को अगर डाउट होता है, किसी क्वेश्चन पर क्लेम करना होता है कि मेरा जो क्वेश्चन है गलत चेक किया गया है, तो आप उसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं। तो 2-3 दिन का टाइम भी मिलता है उसको क्लेम करने के लिए। तो जैसे भी आप क्लेम करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ पर रिव्यू होता है और उसको देखा जाता है, और आपका क्वेश्चन अगर लग रहा है गलत हुआ है तो उसको रिव्यू करके सही किया जाता है, और उसके लिए आपको बोनस मार्क्स जो है अलग से फीस से दिया जाता है। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन छोटे से वीडियो में बताने वाला था आप लोगों का। बहुत सारे कैंडिडेट भी पूछने वाले भी थे, या फिर मन में जो होता है कि मतलब कब इसका आंसर किया जाएगा, कब रिजल्ट आ जाएगा, कब कैसे क्या होगा, तो आंसर की तो आएंगे ही, अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। 18 से मैक्सिमम 18 तारीख तक आप लोग का जो है आंसर की देखने को मिल जाएगा। आप लोग अपना ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा। और जो बात रहा कि रिजल्ट का, ठीक है, तो जैसे ही मतलब आप लोग का अगर जैसे ही आंसर की अपलोड हो जाता है, उसके बाद हमको लग रहा है 10 से 15 दिन में उसका जो फाइनल जो रिजल्ट है, 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन, 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसमें आप लोगों को जो टाइपिंग के लिए, मतलब फाइनली आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी आंसर की इंतजार मत करिए, अभी से अपने टाइपिंग शुरू कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि अच्छा एग्ज़ाम गया है। तो वैसे तो एग्ज़ाम का जो लेवल जो था CRPF का, वो मतलब SSGD की तुलना में अगर देखें तो बहुत टॉप गया है, और ऐसे भी बहुत टॉप गया है। जैसे जो एग्ज़ाम अगर बच्चे दिए हुए हैं तो उन लोगों को मालूम होगा कि एग्ज़ाम कैसा गया है और कितना टॉप गया एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपना टाइपिंग का अभी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 2 से 3 महीने टाइमिंग नहीं देगा टाइपिंग करने के लिए, मुश्किल से मुझे 1 से 2 महीना ही देगा, मुश्किल से 1 से 1.5 महीना। ठीक है, तो अगर 2 महीना ही दे रहा है तो 2 महीना भी टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, तो अभी 2 महीना टाइम है, तो अच्छी तरह से टाइपिंग कीजिए। दोनों टाइम जाके कोई अच्छा सा कैफे में बात करके अच्छे से जाके टाइपिंग कीजिए, सीखिए, और जितना अच्छा स्पीडिंग रहेगा उतना अच्छा काम करेगा आपको, क्योंकि टाइपिंग में आप लोग मालूम है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग को लेकर आप लोगों को अभी से तैयार हो जाना होना पड़ेगा और अभी से टाइपिंग करना पड़ेगा। रिजल्ट जो है आंसर की है और मार्क्स देखने का जो बात है वो तो होती रहती है, आती रहेंगी, लेकिन आपको टाइपिंग करते रहना है, क्योंकि टाइपिंग में मैं बता रहा हूँ हर एक साल बच्चे जो होते हैं टाइपिंग में, मैंने किसी भी एग्ज़ाम में टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं फेल होते हैं। और जो बच्चा का लग रहा कि मतलब टाइपिंग में मतलब मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, मतलब मार्क्स भी अच्छा हो जाएंगे, तो लोग टाइपिंग स्टडी कर दीजिए, और टाइपिंग में अच्छा करेंगे तो आपको आगे का जो प्रोसेस होगा उसमें आप लोगों को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि टाइपिंग एक ऐसा प्रोसेस में मार्क एक टाइपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप क्वालिफाई कर ले रहे हैं, उसका अगर नंबर आपका अच्छा है तो मेरिट भी बन जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल मेडिकल होता है, उसमें रनिंग वनिंग भी नहीं है, सिर्फ हाई चेस्ट वेस्ट जो है यही सब है। तो आप लोगों को आराम से अभी टाइपिंग करना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, और आपके अनुसार बताइएगा कि कब तक आपका जो फाइनल आंसर किया कब तक आ जाएगा, क्योंकि जो ऑफिशियल था मैंने उसको बता दिया। ठीक है, अब वो जॉब रिलीज करें, हालांकि नोटिफिकेशन में 4 से 5 दिन ही लिखा हुआ है, तो मानिए मैं 1 सप्ताह ही लिया हूँ, तो 11 तारीख के बाद एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो 11 और 7 दिन उसमें जोड़ते हैं तो 18 दिन होता है, मतलब 18 तारीख को आज ही जाना चाहिए, मतलब मैक्सिमम आप 20 तारीख तक मानिए, 20 तारीख तक आपका 100% है कि आंसर की आ जाएगा, और अपना रोल नंबर डाल के उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही है कितना गलत है। तो वहाँ से क्या होता है कि क्लियरिटी मालूम चल जाता है कि हाँ मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और निगेटिव करके मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, तो ऐसे चांस बनता है कि मेरा मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा, वहाँ से भी मालूम चल जाता है। लेकिन फिर भी सर मेरे अनुसार लग रहा है कट ऑफ बहुत कम ही जाएगा, क्योंकि देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन जो था एग्जामिनेशन का बहुत टॉप गया था, सब किसी को मालूम है, जो जो एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा कि एग्जाम CRPF जो था वो कैसा गया है, तो उसके अनुसार कट ऑफ जो है बहुत कम ही जाने वाला है। तो कट ऑफ की चिंता मत करिएगा, आराम से अपनी टाइपिंग कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम जब टॉप जाता है तो उसका कट ऑफ कम ही जाता है, और जो एग्ज़ाम का इजी जाता है उसका कट ऑफ हाई जाता है। तो आपके अनुसार लग ही गया होगा कि मतलब आपका कितना सही होगा, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो तो मालूम चल ही जाता है मोटे पैमाने पर कि जो एग्ज़ाम देखा है तो मेरा फाइनल सिलेक्शन उसमें होगा कि नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका हो जाएगा तो आराम से आप टाइपिंग कीजिए, और आराम से किसी को फेर मत पड़िए, आराम से रिजल्ट आंसर की आना होगा तो आना ही आता ही जाएगा। ठीक है, तो आप टाइपिंग कीजिए,
और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।